होगा क्या आपको एक भी नौकरी मिली है? इमरान ने वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा। अभी पंजाब के आवाम से पूछता हूँ, क्या आपको एक भी घर मिला है? 50 लाख घर वादा करने वाला ने गरीबों के सर से छत छीन लिया है। आवाम दुश्मन बजट में आवाम के लिए सिर्फ तकलीफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदार का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी को खूब आड़े हाथों लिया। कहा घर देने वाले ही गरीबों के सर से छत छीन ली। करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया मगर एक नौकरी ना दी। अगर आपका पानी चोरी होता है तो फिर कराची को भी कम पानी मिलेगा। अगर आपका पानी चोरी होता है तो सिंध को भी कम पानी मिलेगा। मैं आपका पानी चोरी नहीं होने दूंगा। अवाम दुश्मन बजट में किसानों से सब्सिडी छीन ली गई। बिलावल भुट्टो किसान के मुआवजे इस्तेहसाल पर भी खूब गरजे। कहा कि किसान का पानी चोरी नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का खिताब। कहा पाकिस्तान की मुईशत कमजोर तरीन सतह पर जा चुकी है। एमपीए मुमताज सौंग ने कहा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की जनूबी पंजाब सूबा बनाएगी। नवाजाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदार का पुरतपाक इस्तकबाल। एमपीए मुमताज सौंग ने बिलावल भुट्टो जरदार को रिवाज की अजब पहला। स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्रेटेरिएट डीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद एमपीए मुमताज सौंग समेत पार्टी रहनुमा जवानों की भरपूर शिरकत। सानिया बलहार में जाम खोने वाले मुसाफिरों के लिए दुआएं मगफरत की गयी। दस साल की मेहनत मैट्रिक इम्तिहानात में किसने कौन सी पोजीशन ली? मैट्रिक इम्तिहानात में मुल्तान बोर्ड ने पोजीशन होल्डर तलबा के नामों का ऐलान कर दिया। साथ में पंजाब पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल शुजाबाद की महक मुनीर ने 1090 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल कॉलोनी से जिशान शहजाद ने 1089 नंबर लेकर दूसरी। बिहाड़ी से अमार अख्तर ने 1088 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि आर्ट ग्रुप में उम्मे हानी ने 1068 नंबर लेकर पहली पोजीशन। आलिया अल्ताफ ने 1058 नंबर लेकर दूसरी। कुरतुल्लैह ने 1051 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। बहावलपुर एजुकेशन बोर्ड ने भी मैट्रिक पोजीशन होल्डर के नामों का ऐलान कर दिया। रहीम आसान की आयशा यासीन और मिंसनाबाद की अरीबा नूर ने 1086 नंबर लेकर पहली। कोटाबाद के मोहम्मद तलहा और रहीम आसान के मौजूद हक ने दूसरी पोजीशन। जबकि पांच तलबा उम्मे जैनब मारिया निमरा उम्मेहानी अलीजा ने 1083 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन ली। रहीम आसान की तालिबा अरीबा नूर खुशी से नहा। कहा ख्वाहिश है बड़ी होकर डॉक्टर बने। बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी पेरेंट्स की भी टीचर्स की भी, सबने बहुत ज़्यादा मदद की। इंशाल्लाह ताला आगे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह इसको पूरा करना है, पूरी मेहनत करनी है। डेरा गाजी खान बोर्ड की जानब से मैट्रिक पोजीशन होल्डर का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ की महामस्तब ने 1092 नंबर लेकर पहली। कोटद्दू की अलीहा फातिमा ने 1091 नंबर लेकर दूसरी और बुरिया फातिमा ने 1089 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। उधर सरगोधा बोर्ड में भक्कर की आशा नवाज ने दूसरी और रोशन जोहरा रिजवी और अलीजा हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कसूरवार कौन? मुल्तान के सरकारी तालीमी इदारे नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। सरकारी इदारे टॉप पोजीशन से दूर। फिर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुरतुल्लैह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि आज पोजीशन भी प्राइवेट तलबा ने अपने नाम की। चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने गुजश्ता रोज होने वाली हड़ताल को कामयाब करार दिया। कहा कि मुजाकरात के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, मुजाकरात ना किए तो मुतफ़िका तौर पर लायामल तैयार करेंगे। ताजरों की हड़ताल के बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की जानब से हड़ताल की कॉल। लाते पर हुकूमत की जानब से टैक्स आज खत्म करने का मुतालबा। हड़ताल के मुतालिक हुकूमत को खत के जरिए आगाह कर दिया गया।
मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुशीर बराज जरात वजीर अला पंजाब सरदार अब्दुल हई दसी ने आठ मंसूबे मंजूर करवा लिए। मार बच्चे का अस्पताल, सड़कों की तामीर, स्पोर्ट ग्राउंड समेत दीगर मंसूबों की मंजूरी। हुकूमत की जानिब से तमाम मंसूबों के लिए फंड जारी कर दिए गए। कोहे सुलेमान से सैलाबी रेला तौमसा शरीफ पहुंच गया। सैलाबी पानी से बीच के इलाकों में शदीद कटाव का खतरा। बोहर, टिब, लालू और दारा दीन पना के अलावा दर्जनों मुआवजा जेरे आबानी का खदशा। इंतजामी की खामोशी पर मकीन परेशान। मुल्तान शहर का कदीम पाठ आश्रम इंतजामी की लापरवाही का शिकार। पाठ के अंदर मौजूद झील सूख गई, कैफेटेरिया बंद, जबकि पाठ से बेहतर झूले टूट फूट का शिकार। उधर पाक सेंट्रल हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की अदम तवज्जोही के बाद सिंबर मार्केट का वाहिद पाक भी खस्ता हाली का शिकार है। बहावलपुर में पंजाब क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नाकाम। हजारों खानदान बिंद्रा नहर के किनारे गंदगी में रहने पर मजबूर। शहरी कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत वेस्ट मैनेजमेंट अमले ने आंखें फेर ली हैं। शहरी के हुकाम बाला से नोटिस की अपील। डेरा गाजी खान खुदाबख्श चौक में सीवर सिस्टम नाकारा। गंदा पानी गलियों में जमा होकर जोहर का मंजर पेश करने लगा। अहले इलाका परेशान, घरों तक महदूद। मकीनों की आला हुकाम से नोटिस की अपील। खानीवाल जहानिया बाईपास की सड़क टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से गाड़ियों के टायर खराब। हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों का आला हुकाम से सड़क की तामीर का मुतालिबा। चौथी में तामीर होने वाला पाई खेल रेलवे स्टेशन बने तामीर और खूबसूरती में अपनी मिसाला। देखने वालों को शहर में जकड़ने लगा। कदीमी रेलवे स्टेशन के बावजूद सहूलियात न होने के बराबर मुसाफिरों का आला हुकाम के तवज्जो का मुतालबा। वल्हार रेलवे स्टेशन पर एक और बड़ा सानिया होने से बच गया। फीड एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर मुसाफिरों की जिंदगियां बचा ली। वाकई के हवाले से हुकाम को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। एफबीआर की जान से टैक्स घोषवारे पार करवाने की तारीख में एक बार फिर तौसी। नई राखी तारीख 2 अगस्त 2019 मुकर्र। तौसी का मकसद टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में आने के लिए मदद फराहम करना है। लेन देन के तनाव पर खातून को छेड़ने का इल्जाम। मियासनू में खातून समय तीन अपराध का नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद। रस्सियों से जकड़ कर सर के बाल और भवे मूंद दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रोजान में मामूली तनाव पर दो ग्रुपों में तसादुम। डंडों और पत्थरों की बरसात से 8 अपराध जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। अस्पताल में लगे सिक्योरिटी कैमरे काम आ गए। टीएचयू राजनपुर इंतजामिया ने मोटरसाइकिल चोर पकड़ लिया। 30 दिन में 10 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को हवाला ही पुलिस कर दिया गया। कोर्ट अड्डू मुजफ्फरगढ़ के इनाज में नौजवान के डूबने का मामला। नौजवान के वरसा का टायर जलाकर एहतजाज। नहर का दबाव कम करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्तान और बहावलपुर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। तलबा की कसीर तादाद ने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इम्तिहान दिया। टेस्ट के लिए स्पेशल शटल बसेस भी चलाए गए। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान में तकलीफ। सीईओ ने रिटायर और दौरान सर्विस वफाक पाने वाले सेंट्री वर्कर के लवाजिम में चेक तकसीम किए। बहावलपुर खदमत फाउंडेशन की जान से गरीबों के लिए खदमत कैंप, मेडिकल चेकअप, मुफ्त टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। उधर लगिया में भी फ्री मेडिकल कैंप, 100 से ज्यादा बीमार बच्चों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए तमाम बहावलपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट। चिनाक क्रिकेट क्लब ने पीसीबी इंटर रीजन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
اور ترکی کی خاتون بائٹر ملتان پہنچ گئی، تاریخی مقامات کا دورہ کیا۔ روہی سے گفتگو میں کہا کہ ملتانیوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، یہاں قیام دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔